हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त धूप निकला है, तो हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लहलहाते खेत, और आज के ब्लॉग का शुरुआत इन्हीं हरियाली के साथ। और अभी हम घर चलेंगे और थोड़ा सा तैयार होंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आज के दिन का कार्यक्रम। सो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। तो गाइज, अब फ्रेश होकर रेडी होकर मैं जा रहा हूँ कहीं, और मैं आपको बता दूँ कि हमारे गांव में जो है बोरिंग हल रहा है, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिएगा। बहुत सारे लोग के लिए पहली बार होगा कि कैसे ट्यूबवेल हलता है। एक बहुत बड़ा मशीनरी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चलता कैसे है, और वहाँ जो ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है, जो पाइप डालने के लिए नीचे ज़मीन में, वो कैसे होता है मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ।
गाइस मैं पहुंचा हूं बीरगंज में और बीरगंज के आदर्श नगर में हूं मैं। तो ये आदर्श नगर जो है फैशन ट्रेंड के लिए बहुत फेमस है। आज से 10 साल 20 साल पहले जो है बहुत बाहर बाहर से लोग आके यहाँ पे जो है फैशन के सामान मतलब ड्रेसेस कॉस्मेटिक्स और वगैरह वगैरह खरीदते हैं। तो इसी यहीं पे मैं आया हुआ हूँ आदर्श नगर में। तो यहाँ पे मैं कुछ फैशन का तलाश कर रहा, फैशन शूटिंग्स का। सो एक शॉप है मेरे सामने, ये है क्लासिक फैशन, आप देख सकते हैं बोर्ड। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और ये चलिए यहाँ चल के देखते हैं क्या क्या फैशन के जो आइटम्स हैं, नए नए ट्रेंड के आइटम लगे हुए हैं। बाहर से मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो मैं आपको एक रियर व्यू से दुकान का जो शॉप का जो लुक है वो दिखाता हूँ और देखिएगा कितना फैशनेबल और कितना ट्रेंडी जो आज के ट्रेंड में जो हमारे एज के लोग या और भी डिफरेंट एजेस के लोग जो पहनते हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ से शॉपिंग कर लिया है, अब मैं निकलता हूँ आगे। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं और भी कुछ। सो बने रहिए हमारे साथ, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और ये जो शॉप के ऑनर है वो भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए हैं, दोनों हैं देखिए। तो गाइज आपने इस ब्लॉग में देखा हमारे गांव में जो ट्यूबवेल हल रहा था उसको हलते हुए और एक बहुत ही हाईटेक मशीन से वो ट्यूबवेल को लगाया जा रहा है और वो जो मशीन है वो बहुत ही फास्ट उस ट्यूबवेल को लगाता है और उसमें जो आपको मैनुअल जब लोग हम लोग पहले लगवाते थे तो वो ट्यूबवेल जो है 3-3 दिन से ज़्यादा लग जाता था मैनुअली, जो मजदूर हाथ से उसको खोदते थे, गड्ढे को खोदते थे या पाइप उसमें लगाते थे। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक मशीन है वो मात्र 3 घंटे में 250 फीट से ज़्यादा वो बोरिंग कर देता है, वो पाइप लगा देता है। सो ये है ऑटोमेटिक सिस्टम और हमने इस ब्लॉग में दिखाया आपको एक फैशन शॉपिंग जो कि बीरगंज के आदर्श नगर में था। सो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। सो मैं आपको दिखा दूँ कि अब हम सोने के लिए आ गए हैं, काफ़ी रात हो चुका है। सो अभी बच्चे जो हैं शोर मचा रहे हैं और मेरे साथ है अनुष्का, इधर बैठी हुई है और इधर लवली है। तो ये जो है अभी बच्चे लोग को शांत कर रही है, बच्चे लोग यहाँ पे अभी शोर मचा रखे हैं। तो अभी सब कर रहे हैं सोने की तैयारी और हम आपसे विदा लेते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। और इधर ये लोग जो है हाय हेलो करते हुए और हमारा जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा ये एक थोड़ा सा टेक्निकल था, मैंने कुछ दिखाया आपको नई चीज, काफी हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनको ये चीज नया देखने के लिए मिलेगा, काफी लोग ने पहले देखा होगा। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइज टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय, तीसरा बार बाय बाय।